नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर देश की खास खबरों पर। भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी में तेजी से हुआ इजाफा। भारत में 7.82% घट गई हिंदुओं की आबादी, मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 25 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त किया, 200 वर्कर्स एक साथ छुट्टी पर गए, सभी पर एक्शन की तैयारी, आज कई उड़ानें कैंसिल होंगी। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का जवाब, हैदराबाद में बोली, 15 सेकंड पुलिस हटा लो, पता नहीं लगेगा दोनों भाई कहां गए। स्मृति ने प्रियंका राहुल को डिबेट की चुनौती दी, कहा भाई बहन समय और तारीख बताएं, दोनों के लिए बीजेपी का प्रवक्ता काफी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नदी में नाव पलटी, 2 लापता, 7 लोगों का रेस्क्यू हुआ। पद से हटाए जाने पर आया आकाश आनंद का पहला रिएक्शन, आकाश आनंद ने मायावती के आदेश को सबसे ऊपर बताते हुए उसे स्वीकार किया है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। जल जीवन मिशन में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, चाहे भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में चिकित्सा तंत्र पूरी तरह होगा ऑनलाइन, लागू होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। नगर निगम ग्रेटर सतर्कता शाखा की कार्यवाही, 7,000 रुपए का किया कैरिंग चार्ज, 4 कंटेनर सामान जब्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, चुनाव के समय फेक वीडियो बनाकर नए हथकंडे अपना रही है तेलंगाना की कांग्रेस सरकार। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। वाणी कपूर ने शेयर की अपने बचपन की क्यूट फोटो, राशि खन्ना ने किया कॉमेंट। माधुरी दीक्षित ने परिवार को समय देने के लिए एक्टिंग से लिया ब्रेक। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। आईपीएल 2024 सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया। क्रिकेट की दुनिया के नए रोमांचक मुकाम की शुरुआत, बिग क्रिकेट लीग का हुआ शुभारंभ। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की खास खबरें। सपाट खुला शेयर बाजार, सीमित दायरे में कारोबार। गरीब देशों में दवा उपलब्ध कराने के लिए एक्समेड ने जुटाए $2 मिलियन। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। गाजा में इजरायली हमलों में हमास का नौसैनिक कमांडर ढेर। रूस बोला, पन्नू मामले में भारत पर लगे आरोप बेतुके, कहा अमेरिका उनके चुनावों में रुकावट डाल रहा, भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।